फ्रांस से आ रहे 5 रफाल विमानों का पहला जत्था 29 जुलाई को भारत पहुंचेगा। ये 5 रफाल विमान 7000 किलोमीटर की दूरी कर भारत पहुंचेंगे। इन रफाल विमानों को अंबाला में भारतीय वायुसेना के बेड़े में शामिल किया जाएगा। अंबाला एयरबेस भी अब रफाल के स्वागत के लिए पूरी तरीके से तैयार है। एयरबेस के 3 किलोमीटर के दायरे को नो ड्रोन जोन घोषित कर दिया गया है। फ्रांस से 7 घंटे की उड़ान भरने के बाद रफाल ने यूएई एयरबेस पर सुरक्षित लैंडिंग की। अब यूएई से सीधे 5 फाइटर प्लेन अंबाला एयरबेस पहुंचेंगे। आप 2 तस्वीरें देख रहे हैं किस तरीके से स्वागत की तैयारी हो रही है अंबाला में, और पूरा देश अंबाला के साथ साथ लगा हुआ है रफाल को देखने के लिए। जी हां, जो आंखें होंगी अंबाला के आसपास वो सिर्फ और सिर्फ नजरें टिकाई रहेंगी कि आवाज सुन लें रफाल की, एक झलक देख लें और कैद कर लें। और दूसरी तरफ आप देख रहे हैं पहली तस्वीर में किस तरीके से रफाल उड़ान भर रहा है। जी हाँ, ये उड़ान सिर्फ रफाल की नहीं है, ये उड़ान देश की भी है। देश भी चाहता है कि जल्द से जल्द ये रफाल आ जाए। रफाल का इंतजार सिर्फ और सिर्फ एयरफोर्स को या फिर फोर्सेस को नहीं है, देश की जनता भी चाहती है कि रफाल जल्द से जल्द हिंदुस्तानी वायुसेना में शामिल हो जाए। ये वो लड़ाकू विमान है जो पूरी कमी पूरी कर देगा भारतीय वायुसेना की। जी हाँ, लद्दाख और लेह में जब ये उड़ान भरेगा तो आवाज LAC के पार चीन तक जाएगी। चीन भी जानता है रफाल से निपटना इतना आसान नहीं है। रफाल की ताकत हम आपको दिखा रहे हैं। जी हाँ, एक तरफ हम आपको रफाल की उड़ान दिखा रहे हैं, 5 उड़ानें रफाल की। जी हाँ, ये वो उड़ानें हैं जिससे हिंदुस्तान को हौसला मिल रहा है। और दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं कि रफाल की ताकत क्या क्या है। 2 तस्वीरें आपको स्क्रीन पर दिख रही हैं। 3 किलोमीटर का जो एरिया है वो नो ड्रोन जोन घोषित कर दिया गया। जी हाँ, अंबाला में हाई सिक्योरिटी अलर्ट भी रखा गया है। 5 रफाल विमान आने वाले हैं, बुधवार को वहां पर लैंड करेंगे। अंबाला ही क्यों चुना गया, अंबाला में ही सारा सेटअप किया गया है।